डॉक्टर मोहन यादव एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधारोपण करते नजर आ रहे हैं। राजधानी भोपाल से आप तस्वीरें देख सकते हैं, जिसमें भोपाल की महापौर मालती राय भी इस कार्यक्रम में मौजूद है। आप देख सकते हैं अभी पौधारोपण का कार्यक्रम हो गया है और सीधी तस्वीरें आप कार्यक्रम की देख सकते हैं। गोविंदपुरा के बिजली कंपनी मुख्यालय में इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। महापौर मालती राय और इसके साथ पार्टी के कई सारे कार्यकर्ता भी इस दौरान हमें नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं मीडिया के कर्मी भी इस दौरान हमें देखने को मिल रहे हैं। और ये जो पौधारोपण की तस्वीरें हैं, ये आप देख सकते हैं, महापौर के साथ सांसद भी यहाँ पर हमें नजर आए और लगातार कार्यक्रमों का सिलसिला इसके बाद जारी रहने वाला है। हमारे बीच हमारे अपने प्रदेश के मुखिया परम श्रद्धेय डॉक्टर मोहन यादव जी, आदरणीय हमारे भोपाल शहर की प्रथम नागरिका आदरणीय मालती राय जी, हमारे एसीएस मनु जी और हमारे मध्य क्षेत्र के एमडी क्षितिज सिंगल जी और मेरे सभी मीडिया बंधु और सभी मेरे सम्मानित साथी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का एक देश के वर्तमान के साथ साथ आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए एक पेड़ मां के नाम लगाने का जो अभियान है, उस भावनाओं का हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा चरांश पालन और आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ करें, उस भावना में 5.5 करोड़ पेड़ मध्य प्रदेश में लगाए जाने का उन्होंने दृढ़ संकल्प लिया। उस संकल्प को हम अक्षांश ऊर्जा विभाग में पालन करते हुए पूरे प्रदेश में 1 लाख पेड़ ऊर्जा विभाग की सारी कंपनियां लगाएंगे। और अगले वर्ष माननीय जी से आज की डेट क्या आज जहां पे वृक्ष लगाया है उस दिन हम वर्षगांठ मनाकर एक सेल्फी आपके साथ डालेंगे कि आपने जो प्रण जो लिया है उसको ऊर्जा विभाग आपके प्रण को साकार करने में सहयोग प्रदान करेगा। और हम आपको मानने आपकी व्यवस्था है, परंतु हमारे डिपार्टमेंट में प्रधानमंत्री जी और आपकी मंशा के अनुरूप ग्रीन एनर्जी की तरफ भी मूवमेंट किया है। वर्तमान में 6500 मेगावाट पंप आए और आगे भी हम कुसुम सी कुसुम है। कल हमने ग्वालियर में बड़ी समीक्षा बैठक की है आपकी मंशा के अनुरूप, जनप्रतिनिधियों के साथ भी की है। हम सिर्फ आपको इतना ही विश्वास दिलाना चाहते हैं कि ऊर्जा विभाग हमारी पूरी टीम, मैं नहीं हम सब मिलकर के आपके कुशल मार्गदर्शन में आपके सोच जो पंडित दीनदयाल जी की थी कि अंतिम पंक्ति तक अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे, ऊर्जा विभाग उस भावनाओं का आपके कुशल नेतृत्व में अनुसरण करेगा, ये भरोसा हम आपको आपकी टीम आपको देना चाहती है। और मैं अंत में माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता के बावजूद उन्होंने कहा कि मैं जरूर चलूंगा, नहीं वो कह सकते थे कि उप मुख्यमंत्री जी और मैं पेड़ लगा दू, एक संकल्प इच्छा शक्ति थी कि ऊर्जा विभाग के परिसर जाऊंगा, मैं एक पेड़ मां के नाम खुद लगाऊंगा। थोड़ा वेट कर रहे थे, बीच में कहा प्रथम रुको मैं जरूर चलूंगा, तो मैं उस भावना को भी दिल से आपको प्रणाम करता हूं आपके आशीर्वाद को और आगे की कार्रवाई के लिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहूंगा कि जो ऊर्जा हमें आप सबसे प्राप्त हो रही है, हम ऊर्जा परिवार की ओर से अनुरोध करते हैं कि आप अपने ऊर्जा वाले शब्द बोलिए, हमें मार्गदर्शन दे आपकी का संकल्प हम लोग पूरा करने के लिए। मंच पर विराजमान यशस्वी ऊर्जा मंत्री श्रीमान प्रद्युम्न तोमर सिंह जी, इस अवसर पर हमारी महापौर श्रीमती मालती राय जी, एसीएस ऊर्जा मनु श्रीवास्तव जी, एमडी क्षितिज सिंगल जी और आप सब, मूल रूप से हम सब यशस्वी प्रधानमंत्री का ये जो मन का भाव है उस भाव की एक तरह से
संकल्पना को धारण करने के लिए मन के अंदर प्रकृति के साथ इस पवित्र संकल्प में वर्षा ऋतु में एक पेड़ लगाते ही और वो भी माँ के साथ जोड़ने से, हमारी तो मात्र संस्था मात्र सत्ता संस्कृति इसी बात के लिए जानी जाती है। इसलिए दुनिया में होंगे कई सारे देश जो अपनी पितृ सत्ता को मानते हैं, हम तो मात्र संस्था इसलिए देश को भी माता से जोड़ते हैं और इस प्रकृति में भी हम माँ ढूंढते हैं। इसलिए पृथ्वी पर भी हमारा अभाव नवग्रह रचना में वसुंधरा को हम अपनी माँ से जोड़ते हैं और परिवार की इस महत्वपूर्ण कड़ी में आज वृक्षारोपण के आधार पर अपनी माँ के स्मरण में अपना पौधा लगाना, अर्थात हमने परमात्मा से पाया कुछ है उस पाए हुए को वापस लौटाना। और ये ओजोन की लेयर हम सब जानते हैं अलग अलग कारण से, जब तक ऑक्सीजन तभी तब तक पृथ्वी पर जीवन है और इस जीवन की प्रतिपूर्ति के लिए जाने अनजाने वर्तमान के युग में बहुत सारे नवाचार भी हो रहे हैं और कई मामलों में हम अतिक्रमण भी कर रहे हैं, लेकिन काल के प्रवाह में विकास के इस पहिए पर हमको संतुलन भी बनाए रखना है और संतुलन बनाए रखने के लिए ही जो हम पा रहे हैं वो देने के लिए भी कृत संकल्पित है। इस नाते से जैसे पेड़ के बारे में तो हम सब जानते हैं, ब्रह्म पुराण में बहुत अच्छे विस्तार से वर्णन किया गया है। ऐसे कहा गया है कि 10 फुट के बराबर एक सरोवर होगा और 10 सरोवर के बराबर एक तालाब होता है और 10 तालाब के बराबर एक पुत्र होता है और 10 पुत्रों के बराबर एक पेड़ होता है। ये उसका क्रम है, हम सब इसकी महत्ता समझे जाने। मैं अपनी ओर से इस संक्षिप्त समय में भी विलंब से आने के पहले थोड़ा सा मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन इतनी व्यस्तता के बावजूद भी माननीय तोमर जी से मैंने कहा कि मंत्री जी मैंने कमिटमेंट किया मैं किसी हालत में आऊँगा और इस कार्यक्रम में शामिल हुआ। मेरी अपनी ओर से ऊर्जा विभाग के सभी मित्रों को बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। सर हम लोगों ने एक प्रतीक बनाया क्योंकि हमारा सर समझते हैं कि हमें संदेश अपना पहुंचाना है लोगों तक, तो एक विद्युत और एक बिजली, एक बच्चा विद्युत नाम का और एक बच्ची जो है बिजली नाम की, तो हमारा संदेश पहुंचाने के लिए उसका सर विमोचन हम आपके शुभ हाथों से कराना चाहते हैं। सर आज कोई भी कोई शिकायत हो किसी को बिजली से संबंधित, बिजली की बचत के बारे में, सौर ऊर्जा के बारे में, ये सारे संदेश का हम अपनी जो बच्ची है बिजली और बच्चा है विद्युत। बिजली एवं विद्युत शुभंकर का लोकार्पण इस वक्त हो चुका है। बिजली और विद्युत ये दो शुभंकर, इसी तरह आपका मार्गदर्शन हमें लगातार मिलता रहे। स्मृति चिन्ह ये एक वृक्ष की क्या महत्ता है ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बताया और ब्रास का ही ये पौधा है जो हम सबके जीवन में सींचता है। प्रसारण आपने देखा सीधी तस्वीरें राजधानी भोपाल से, जहां ऊर्जा विभाग मध्य प्रदेश शासन के द्वारा पौधारोपण कार्यक्रम किया गया था जिसमें मुख्यमंत्री ने शिरकत की और साथ ही उन्होंने महत्व बताया पौधारोपण का, इसके साथ ही उन्होंने पौधारोपण भी किया था। और इस दौरान भोपाल की महापौर मालती राय भी यहां पर हमें नजर आई कार्यक्रम में, और गोविंदपुरा में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ, बिजली कंपनी मुख्यालय में कार्यक्रम का आयोजन हुआ और मुख्यमंत्री ने इस दौरान संबोधित भी किया, पौधारोपण के महत्व को बताया, बिजली के महत्व को बताया
और लोगों से जागरूक रहने की अपील की, बिजली बचाने की अपील की। इस दौरान पार्टी के कई सारे कार्यकर्ता भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। तो आप देख सकते हैं राजधानी भोपाल से तस्वीरें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कार्यक्रम हमने देखा। एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत सबसे पहले पौधारोपण किया गया, उसके बाद गोविंदपुरा के बिजली कंपनी मुख्यालय में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। महापौर मालती राय भी इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद रही। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, इन्हीं के साथ ही बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे।